जय लोधेश्वर, जय भवानी। दोस्तों नमस्कार, हमारी टीम लोधी क्षत्रिय रिएक्शन चैनल आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती है। दोस्तों इतिहास की श्रृंखला में आज हम लोधी क्षत्रिय वीर योद्धा जाति द्वारा शासित गढ़ के बारे में आपको कुछ जानकारी अवगत कराना चाहते हैं। राजपूत हम, राजपूत राज करना हमारी आदत है, चाहे वो दिलों पे हो या किलों पे। दोस्तों आज हम राजस्थान के लोधरवागढ़ के बारे में एवं लोधरवा के इतिहास से आपको परिचित कराएंगे। दोस्तों लोधरवा लोधी समाज की राजधानी थी, जो कि राजस्थान से जैसलमेर नगर से 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित थी। इस बात की पुष्टि एवं ऐतिहासिक महत्व की जानकारी हमें सीवी वैद्य द्वारा लिखित पुस्तक भारतवर्ष का मध्यकाल का इतिहास के पृष्ठ क्रमांक 117 आवृत्ति 1954 में लिखित लेख से मिलती है। इसमें लिखा है कि लोध राजपूत लोधरवा के मूल निवासी थे और उनकी राजधानी लोधरवा थी। इसके राजा नृपभानु सिंह लोधी एक वीर और पराक्रमी राजा थे। इनके साथ साथ वरिष्ठ साहित्यकार कर्नल जेम्स टॉड, जिन्होंने कि राजस्थान का इतिहास के पृष्ठ क्रमांक 51 पर लिखा है, देवरावल की दक्षिणी सीमा पर लोध राजपूत रहते थे। इनकी राजधानी लोधरवा थी, जिसके कि राजा नृपभानु सिंह लोधी थे। एवं इसके संबंध में डॉक्टर गोइड्स और विद्वान लोधी समाज के वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर हेम सिंह वर्मा जी ने भी बहुत अच्छे से प्रकाश डाला है। उन्होंने भी इस बात की पुष्टि करी है कि 10वीं शताब्दी के लगभग राजस्थान में लोधरवा लोधी समाज द्वारा शासित एक शक्तिशाली राज्य था, और इस राज्य की वैभवता और इस राज्य की शक्ति पूरे राजस्थान में जानी जाती थी, मानी जाती थी। एवं इस बात की पुष्टि श्री जगदीश सिंह गहलोत जी ने भी अपने लेख में की है। उन्होंने भी यह सर्वमान्यता से स्वीकार किया है कि लोधरवा जो एक प्राचीन नगरी थी, एक वैभवशाली समृद्धशाली सशक्त राज्य था, उस पर नृपभानु सिंह लोधी का आधिपत्य था और उन्हीं ने ही यह राजधानी बसाई थी। हम लोधी समाज के ऐसे वीर योद्धा और उनके राज्य लोधरवा को आज स्मरण करते हैं और उस वीर योद्धा को सत सत नमन करते हैं। मैं संजय सिंह लोधी पटेल, ग्राम सोखर, जिला भेंड, और हमारे साथी अनिल राजपूत ऐसे वीर को सत सत नमन करते हैं।